गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस, ओपन पेज नंबर 32, एक्सरसाइज 2.4, लास्ट क्वेश्चन वी हैव टू डू, क्वेश्चन नंबर 10, आई नो एवरीथिंग दैट वी विल डू आफ्टरवर्ड्स, जो करवा रही हूँ वो करो. क्वेश्चन नंबर 10. Those who want to, देखो सारी की सारी क्लास बाहर है. क्वेश्चन नंबर 10. अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज. 10 इयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स his son's age. What are their present ages? Write down. क्या कहते हैं अमन की एज उसके सन से 3 टाइम है. Let the present age of present age of son is x years. Therefore present age of Aman is 3x years. Present ages लिख दी. इसके बाद हमने changed age लिख दी. Changed age जो है वो कितनी कितना change है? कितना change है? क्या change है question में? 10 years ago. जो भी change है उसको हमने यहाँ left पे लिखना होता है. After 5 years, after 10 years, 10 years ago तो heading देनी है. 10 years ago. माने कहाँ थे? आज के बाद मेरी क्लास में लेट आओगे फिर मैं अलाउ नहीं करूंगी. ठीक है बेटा. 10 years ago, you're not well. Okay. 10 years ago. So if the present age of son is X, what is the age 10 years ago? Who will tell? No collective answer. X plus 10, शाबाश. अभी तुम 20 के हो. 10 साल पहले कितने के थे? क्या किया? अपनी एज में से 10 को माइनस किया. सो एज ऑफ सन 10 इयर्स अगो इज x माइनस 10 एंड एज ऑफ अमन वॉज 3x माइनस, राइट? Now, according to what is the equation? Let us make what they are writing. कहते 10 years ago he was 5 times his son's age. He मतलब अमन, अमन की एज 10 साल पहले. अमन was 5 times, जो अमन की एज थी 10 साल पहले, that is equal to 5 times his son's age. Son's age, son की भी एज कौन सी लेनी है? 10 साल पहले वाली. जो शोबो वाला क्वेश्चन था उसमें था कि शोबो's एज आफ्टर 5 इयर्स इज 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज. रिमेंबर, वहां पर इक्वेशन में हमने शोबो की एज ली 5 साल बाद वाली और मदर की एज ली प्रेजेंट. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा. यहाँ पर लिखा है 10 इयर्स अगो द एज हिज एज वॉज 5 times his son's age. तो इसका मतलब दोनों की जो एज है वो 10 years पुरानी बात हो रही है. The age of Aman was 5 times his son's age. Son की भी कौन सी एज? 10 years पहले वाली. ये क्वेश्चन क्लियर हो गई सबको? यस, अब सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट ओपन, 5x माइनस 50. 3x is equal to 5x minus 50 plus 10. 3x में से 5x minus करेंगे, आ गया minus 40. क्या बचा हमारे पास? 3x minus 5x is what?
माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कट, x कितना आ गया बेटे 20. हम लिखेंगे देयरफोर प्रेजेंट एज ऑफ सन 20 ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज 7th क्वेश्चन बेटा करवाऊंगी कल, ठीक है? अभी मुझे खुद पढ़ना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, मुझे खुद एक बार देखना उसको, ठीक है? वो मैं कल करवा दूंगी, अभी एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। नाउ इन दिस एक्सरसाइज 2.5 वी हैव टू ओनली सॉल्व, वी आर नॉट टू चेक द इक्वेशन। अगर लिखा है सॉल्व एंड चेक, फिर हमने सॉल्व करना है और फिर चेकिंग करनी है, जैसे हमने 2.3 में किया, ठीक है? समझ आ रही है बात? Everyone has noted this? वो इधर वाला ऊपर वाला रब करके क्वेश्चन में लिखूंगी, कर लो जल्दी से, थोड़ी स्पीड बढ़ा लो बेटा। Exercise now, everyone will pay attention. Very important question these are. X by 2 minus 1 by 5 is equal to X by 3 plus 1 by 4. Look here on the board. Now there are two ways to do first step. Now we can see this is x by 2, this is x by 3. This is without x and this is without x. Either in the first step, you write the terms of x together and without x together by transposing. Transposing matlab idhar udhar le jaakar. Ya phir LCM le lo pehle. Hum pehle x ki terms ko ikattha karte hain. Dekho, x by 2. ये x by 3 इधर क्या हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा इज इक्वल 1 by 4, उधर प्लस हो रहा था 1 by 5 इधर आके। सबको ये स्टेप क्लियर है? आपको चाहे आप दो स्टेप में कर लो, पहले 1 by 5 को ले जाओ प्लस कर दो, फिर बाद में x by 3 को ले आओ, इट इज योर विश। हेड डाउन करना है आपने, मानी समझ आ गई? अब आप LCM, सिक्स एलसीएम, टू के टेबल में सिक्स, थ्री पे थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स माइनस, थ्री के टेबल में सिक्स, टू पे टू इंटू एक्स इज इक्वल फाइव, फोर जा एलसीएम इज, फोर के टेबल में ट्वेंटी, फाइव के टेबल में ट्वेंटी, और वी आर लेफ्ट विद थ्री एक्स माइनस टू एक्स, एक्स बाय सिक्स इज इक्वल टू, we have to find the value of x. 6 इधर नीचे है, राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुल के सीधे बैठो, आंसर पॉइंट्स में करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे लिखो x is equal to 27 by 10. नहीं लगाते तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब मानना है। हाँ जी अनवे जी, ऐसे गायब क्यों? करो अगला, करो फिर
देखिए बेटा, नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर टू प्लीज पे अटेंशन. नाउ यू कैन सी व्हाट इज द वेरिएबल. एन इज द वेरिएबल एंड ऑल द टर्म्स विद एन आर ऑन द सेम साइड. ठीक है, तो सीधा क्या करेंगे, एलसीएम. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6. व्हाट इज द एलसीएम, बोर्ड पे देखिए प्लीज. 2 के टेबल में 12, 6 इंटू एन माइनस 4 के टेबल में 12, 3 पे 3 इंटू 3 एन इज 6 के टेबल में 12, 2 फाइव्स आर इज इक्वल टू 20. नाउ 10n plus 16, 6n, 16n minus 9n over 12 is equal to 21. 16n minus 9n, 7n मैं कटिंग नहीं कर रही हूं अभी. प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड. दोबारा देखो, ये एलसीएम सबको क्लियर है. 16n माइनस 9n इज 7n, 7n बाय 12 इज इक्वल टू 21. आप सीधा एक ही स्टेप में ये क्लियर कर सकते हो. 12 को ऊपर ले गए, 7 को नीचे. एक ही स्टेप में नहीं करना, तो 7n इज इक्वल टू 21 इंटू 12. डोंट मल्टीप्लाई बिकॉज वी कैन सी कि 7 डिवाइड होगा, वो 21 से कट हो सकता है. फिर क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन बढ़ाना. 21 into 12, 7 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया. 7 ones are, 7 threes are. 3 into 12, answer is 36. Any step not clear to मैथ्स का टेस्ट थर्सडे को है, सेकंड वीक और फोर्थ वीक. सो दिस वीक इज सेकंड वीक. सो यू आर हैविंग टेस्ट ऑन दिस थर्सडे फ्रॉम 2 में से कितनी एक्सरसाइज का टेस्ट लेना है, दैट आई विल मैसेज. बट इस थर्सडे को टेस्ट होगा, दिस इज 100%. थर्सडे को रामनवमी की छुट्टी थोड़ी होती है, हमें नहीं होती. अक्टूबर दशहरे की छुट्टी है बेटे, रामनवमी की छुट्टी तो नहीं होती. बाकी पता नहीं मुझे, छुट्टी होगी तो टेस्ट नहीं होगा, छुट्टी नहीं हुई तो टेस्ट होगा. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3. बातें नहीं, हाँ जी देखो थर्ड क्वेश्चन. अगर कुछ कंफ्यूज हो रहे हो ना, मान लो कि हाय किस टर्म को इधर लेके जाएं, किस टर्म को उधर लेके जाएं, तो चुप करके पहले एलसीएम ले लो. जैसे यहां पर हमें वैसे 7 को उधर ले जाना चाहिए और 5x बाय 2 को इधर, बट फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द एलसीएम.
हाँ तो फिर क्या हो गया, एलसीएम ले सकते हैं, बाद में लेके जाएंगे उधर, एलसीएम लेके जाएंगे बाद में ले जाएंगे, ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं करना, पता क्या होगा, जैसे इसमें आ जाएगा 21, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर बाद में चला जाएगा, अल्टीमेटली एक्स वाले टर्म्स इकट्ठी ही आएंगी। ठीक है, चलो आपको कंफ्यूजन है, हम इधर देखो, एलसीएम नहीं लेते, हम ऐसे लिख सकती हूँ मैं, एक्स प्लस सेवन माइनस एट एक्स बाय थ्री प्लस फाइव एक्स बाय टू इज इक्वल टू 17 बाय 6। बेटा बस कर, फिर तू क्या चाहता है कि मैं ये सारा काम धाम छोड़कर आके तेरा मुंह लाल करूं? फिर आप कहते हो टीचर मार रहे हैं हमें, हमारी क्लास में बैठे हो, नहीं चुप करोगे तो कोई ना कोई तरीका तो अपनाएंगे ना, क्या तुम्हारी बकवास सुनते रहेंगे? प्लस 5x बाय 2, ये समझ आ गई, राइट हैंड साइड पे क्या है 17 बाय। नाउ इनमें से कौन सी टर्म है बिना विदाउट x, 7 को उधर ले जाएंगे क्या होगा, कर लो x माइनस 8x बाय 3 प्लस 5x बाय 2 is equal to 17 by 6 minus 7। अब ये आप एक स्टेप में भी कर सकते हो कि 5x by 2 को इधर ले आए, 7 को उधर ले गए, in one step also I have done in two so as to make you clear, otherwise you can do in one step also। now we will take the LCM, this is equal to left hand side पे LCM है बेटा 6, 1 के table में 6, 6 into x minus 3 के टेबल में 6, 2, 2 into 8, plus 2 के टेबल में 6, 3 5 जा, 6 LCM, 17 minus 42, 42 कैसे आया है? 1 के टेबल में 6, 6, 6 7 जा, 42, I hope everyone is clear about the LCM, if not then beta please ask and do the practice। Now, 15 plus 6, ये positive है? 21 minus 16, सीधा भी लिख सकते हो, नहीं तो 21x minus 16x is equal to minus, हाँ सीधा लिख सकते हो बेटा, 42 में से 17 minus करो, 20 minus 25 by 6, because 42 is greater and it is with negative sign, twenty one minus sixteen, seven x or five over six is equal to minus 25 by 6। बोर्ड पे देखिए प्लीज, x फाइंड करना है, x अपनी जगह पे, माइनस 25 ओवर 6 अपनी जगह पे, 6 इधर नीचे था उधर मल्टीप्लाई हो गया, 5 इधर आके डिवाइड हो गया, 6 6 5 x इज इक्वल टू आंसर। वो भी तब भी आंसर तो यही आएगा, स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, यहाँ पे भी लिया तो एलसीएम ही है बेटे, उसमें बिना पहले पहले एलसीएम लेके बाद में ट्रांसपोज करते, ट्रांसपोज का मतलब पता है, इधर उधर ले जाना, ठीक है, इसमें हमने पहले इधर उधर ले जाके बाद में एलसीएम लिया, बात तो एक ही है। अगला टर्म ट्राई करो हीरो, फ्री बैठे हो, जी बेटा सबने ये पिछले वाला सम नोट कर लिया है? नो, हु इज स्टिल नोटिंग, करो चलो ये वाला साइन अप कर दूं, जल्दी जल्दी से नोट कर लो,
ये हो गया सबका, प्लीज टेल मी। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर फोर एवरीवन ऑन द बोर्ड। यहां देखिए फोर्थ क्वेश्चन में बच्चे पूरे न्यूमिरेटर के नीचे क्या है, पूरे एक्स माइनस थ्री के नीचे क्या है, फाइव। तो ऐसे सम्स में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फाइव को इस पूरे न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और थ्री को इस पूरे न्यूमिरेटर, बता रही हूं। अगर ये सम ऐसे होता, गर्ल्स इधर देख लो, सपोज ये सम ऐसे होता, फिर आप फर्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा और बिना एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा। व्हाई, बिकॉज हियर यू डोंट हैव दिस थ्री अंडर दिस फुल, सो देयर इज अ डिफरेंस। बच्चे क्या करते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो गलत। क्रॉस मल्टीप्लाई आप तभी कर सकते हो अगर ये पूरे न्यूमिरेटर को डिवाइड कर रहा है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करना पड़ेगा, वही इजी मेथड है। हम लिखेंगे, लिखना जरूरी नहीं है। लुक हियर ऑन द बोर्ड प्लीज, क्योंकि न्यूमिरेटर में दो टर्म्स हैं, तो ये फाइव, अगर ऐसे सिर्फ एक्स होता तो हम लिख देते फाइव इंटू एक्स। बोर्ड पे क्यों नहीं देख रहे हो आप लोग, खुद आता है सम आपको सबको। अगर यहाँ पर अकेला x होता तो हम लिख देते 5 into x 5x, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, x minus 5, तो 5 bracket में x minus, इसी तरह से right hand side पे 3 into x minus, bracket में लिखना है, बिना bracket लिखोगे तो नंबर कटेंगे, क्योंकि आप दोनों से मल्टीप्लाई करना भूल जाओगे और जीरो। 5 into x minus 3 into x minus 5x is equal to 3x minus 9 plus 25. 3x इधर जाके माइनस हो जाएगा, is equal to 25 minus 9, 16. खाना कैसे, कहाँ पर कैसे खाते, कैसे मिल गया।
मत कहना करोगे ही ऐसे खाली बैठे बैठे एंड आई विल टेक द राउंड एंड यू विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग देन हमें देखते देखते अगर तू कुछ नहीं लिख रहा होगा या गलत लिख रहा होगा तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ये नोट कर लिए बच्चे अब देखिए बेटा इधर अब मुश्किल सम थोड़ा सा मुश्किल सम है मुश्किल इन द सेंस ध्यान से करने वाला ठीक है अब यहाँ इस पूरे के नीचे 4 है इस पूरे के नीचे 3 है बट दीज आर द टू टर्म्स लिंक्ड विद नेगेटिव साइन सो वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई इन द बिगनिंग एंड आल्सो वी आर नॉट टू ट्रांसपोज एनी टर्म कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी फिर हमने क्या करना है सीधा हमने इस क्वेश्चन में हम एलसीएम लेंगे एलसीएम इज 12 बेटा समझ लो पहले 4 के टेबल में 12 तो अगर मान लो यहाँ 3t होता तो हम 3 को 3t से मल्टीप्लाई करते अब क्या है 3t माइनस 2 तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3t माइनस 2 because there are two terms in the numerator so whatever number is getting multiplied it will get multiplied with the both the numbers of the numerator both the terms lcm hi to le rahi ek minute karo jaise ye karna hai हमने इसको इसके अंदर ही डाल दिया इक्वेशन के किसके अंदर डाल दिया ये अलग टर्म थी ना ये देखना ये कौन सा क्वेश्चन चलता आ रहा था ये वाला क्वेश्चन था ठीक है ना इसमें हमने एलसीएम लिया एलसीएम एक टर्म दो टर्म तीन टर्म तो एक टर्म का आ गया 4x दूसरी टर्म का आ गया 3x तीसरी टर्म का आया 72 ठीक है बाद में ये बिना एक्स के टर्म है तो क्या हो गया ये उधर चले जाएगी बाद में यहाँ पर अब ये एक टर्म है ये दूसरी टर्म है पूरे बाइनोमियल है बाइनोमियल तो पता क्या होता है अगर यहाँ पर सिर्फ ये होता 3t तो आप क्या लिखते 3 × 3t अब न्यूमिरेटर में क्या है 3t माइनस 2 तो जो 12 / 4 दैट इज 3 वो किससे मल्टीप्लाई होगा ये पूरे इसी तरह से माइनस आगे देखो पूरा देखो फिर समझ आएगी 3 के टेबल में 12 4 पे तो ये जो 4 है माइनस अपनी जगह पे 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 2t प्लस 2 क्या लिखोगे 90 माइनस 8 कहाँ लिखू बेटा 3t माइनस 2 इधर आओ इधर मुझे पूछो क्या पूछना चाहते हो यहाँ पे लिख रहा है 3t माइनस 2 1t 3t माइनस 2 1t क्योंकि लाइक टर्म नहीं आपने बताया था 1t मानती कैसे 3t माइनस 2 ये लिख क्या लिखना चाहता है बेटा लाइक टर्म थोड़ी है लेकिन मैं आपको बताया था एलसीएम ले सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं लेकिन लाइक टर्म में से अनलाइक टर्म माइनस थोड़ी कर सकते हैं हाँ एलसीएम इधर देखो अगर हम एलसीएम लेते हैं ऐसे है तेरे पास मान ली इधर देखो 3t / 4 - 2 इस क्वेश्चन के अलग गए 1 मिनट रह गया तो ये क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करेंगे या देखती हूँ अगर मान लो ऐसे होता तो तुम एलसीएम लेते हैं 4 ये आता 3t - 8 आता ना तो ये अलग बात है कि एलसीएम लेकर जो बिना टी के टर्म है वो बिना टी के ही आएगा
और जो ठीक है वो ठीक है आंसर आएगा। एलसीएम ले सकते हैं लेकिन 3t में से 2 को माइनस थोड़ी कर सकते हैं, अंधे होते क्या पूछा तूने मेरे से, समझ आ गई। अब इधर देखो बेटा, लेट अस कंप्लीट दिस क्वेश्चन, इफ द बेल विल गो नोबडी विल स्टैंड, इट इज इक्वल टू 3 एलसीएम। बोर्ड पे देखिए, 3 के टेबल में 3, 1 पे 1, 2 जा 2 माइनस, 1 के टेबल में 3, 3t। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट्स, अभी लाइक टर्म्स हैं, 90 माइनस 80 माइनस 6 माइनस 12 ओवर 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t बाय। नाउ सी अगेन, ये क्वेश्चन नंबर हमारा बन गया ये फोर्थ, इस पूरे के नीचे 12 है, इस पूरे के नीचे 3, हिलेगा नहीं कोई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू टी माइनस 18, 12 इंटू 3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, 12 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, 3t माइनस 54, 24 माइनस 36, 3t प्लस 36, 24 प्लस 54 सारे बच्चे नोट करेंगे। ओके